हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैकड वीक के 9th एपिसोड में। अगर पहले में उसकी बात करें तो चाइनीज सिक्योरिटी फर्म क्यूहू 360 नेटलैब ने टेक जाइंट बैदू के साथ पार्टनरशिप की और उन्होंने डबल गन नाम के बोटनेट कैंपेन को पकड़ा है, जो कि 2012 से चला हुआ था। और इसने विंडो कंप्यूटर जो कि MBR और VBR बूटकिट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको अफेक्ट किया था और उनमें मालवेयर ड्राइवर इंस्टॉल किए थे फाइनेंशियल गेन और वेब ट्रैफिक हाईजैक करने के लिए। अगली उसकी बात करें तो ट्रू कॉलर, जिसके कि 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं डेली के, उसके 47.5 मिलियन यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है और इसकी रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म साइबल ने दी है। और इस पूरे डेटा को लगभग $1,000 में बेचा जा रहा है। सो बैंक ऑफ अमेरिका ने एक डाटा ब्रीच रिपोर्ट की है और उनके अकॉर्डिंग स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SBA टेस्ट प्लेटफॉर्म इस ब्रीच से अफेक्ट हुए हैं। और इसमें जो उस बैंक के बिजनेस क्लाइंट थे, जो वो इन्फॉर्मेशन पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम PPP के लिए देते थे, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। अगर अगली उसकी बात करें तो मिंटेड, जो कि एक US बेस्ड मार्केट प्लेस है, जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए और अपनी आर्ट के जरिए पैसा कमाने के लिए, तो उसको एक साइबर ग्रुप शाइनी हंटर्स ने अटैक किया है और जिसके कारण उनका डेटा लीक हो गया है। और ये वही ग्रुप है जो कि टोकोपीडिया ब्रिज के पीछे था। सो चाइनीज़ कंपनी की ऐप स्लाइड प्लस, वाइवा कट, टेम्पो, विड स्टेटस, जो कि लगभग 157 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड कर चुकी गई हैं, तो उन पर VPN प्रो रिसर्चर्स ने आरोप लगाया है कि वो स्पाइंग का काम कर रही हैं। सो अगर आप इनमें से किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। सो एक नया फिशिंग कैंपेन चला है AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज के फेक ईमेल यूजर्स को सेंड करके। सो इसमें यूजर्स AWS Amazon वेब सर्विसेज से फेक ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में फिशिंग लिंक्स हैं। सो अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो मित्रों, जिसे कि मेड इन इंडिया और टिकटॉक की एक क्लोन के रूप में इंडियन यूजर्स को ये बोल के प्रेजेंट किया गया है कि आप इसे सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया ऐप है, तो इसमें एक फ्लो निकला है जिसके कारण किसी भी अकाउंट को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और ऊपर से इसका जो सोर्स कोड है उसको इंडियन डेवलपर ने पाकिस्तान के किसी डेवलपर से ख़रीदा है। सो जिसके कारण गूगल प्ले स्टोर ने इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। सो जूमला, जो कि थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जिसके कारण 2700 यूजर्स का डेटा को जूमला के एम्प्लॉयज के द्वारा ही अनइनक्रिप्टेड डाटा बैकअप के रूप में छोड़ दिया गया था, जिसके कारण वो सारा का सारा डाटा लीक हो गया है। सो भीम ऐप के 7 मिलियन यूजर्स का डेटा, जो कि 409 GB के अराउंड था, वो पब्लिक डोमेन साइट्स पर मिला है। और ये ब्रीच April 23 में हुई थी, जिसे कि हाल ही में अनाउंस किया गया है। सो 8Pelts, जो कि पॉपुलर ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाती है, तो उसके 1 लाख प्लस यूजर्स का डेटा लीक हो गया है, जो कि मिसकॉन्फिगर्ड AWS Amazon वेब सर्विसेज S3 बकेट पर होस्टेड था। सो टाइक ऊपर नाम के एक रेडिट यूजर का कहना है कि उसके $1,200 के इथेरियम कॉइन, जो कि बिटकॉइन करेंसी है, वो लगभग 100 सेकंड में ही चोरी हो गए हैं।